तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ गया है मोटोरोला की तरफ से मोटो एज एक्स 30, जो कि एक 5G डिवाइस है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मोटो एज एक्स 30 में पबजी और BGMI का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में क्या ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस डिवाइस में हमें प्रोसेसर के नाम पर एकदम बवाल चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। इसी बवाल प्रोसेसर के साथ हम इस डिवाइस में गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम X30 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये दुनिया का पहला फ़ोन है जिसमें आपको कोलकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर पर काम करता है। इस प्रोसेसर के साथ आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रोसेसर गेमिंग के ग्राफिक्स को कहाँ तक हैंडल कर पाता है और ये प्रोसेसर हमें गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर हम इसी प्रोसेसर के साथ अगर हम इसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो इसमें हमें करीब 10 लाख के पार एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के साथ अगर हम इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। इसी के साथ दोस्तों, इस डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको नॉर्मली यूसेज में 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 5000 mAh की बैटरी गेमिंग करते समय हमारा कितना साथ देती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और साथ में दोस्तों, इस डिवाइस के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस के ग्राफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इस प्रोसेसर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट क्या ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो यहां पर दोस्तों, अगर मैं स्मूथ के बारे में बात करूं तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें फ़िलहाल के लिए कोई भी स्मूथ में 90 FPS की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि आगे चलकर हमें इसमें अपडेट के साथ स्मूथ में 90 FPS की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो इसी के साथ अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस में हमें एक्सट्रीम, HD में हमें एक्सट्रीम, HDR में हमें एक्सट्रीम। तो अगर Ultra HD की बात करूं तो यहां पर ये अल्ट्रा तक ही सीमित है। इसका मतलब साफ है कि आप स्मूथ, बैलेंस, HD और HDR में 60 FPS और Ultra HD में 40 FPS रखकर गेम प्ले कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस के साथ क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इसमें गेमिंग करते समय कोई हीटिंग इशू, कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। We'll be right back.
अरे भैया वहां बंदे बंदे वहां बंदे वहां बंदे वहां आ जाओ जा, तुम लोग नॉक कर दे भाई आजाद नंबर तो ना कर दौड़ गए हाँ यार नॉक कर दिया यार ये देख लेटा है हाँ बस के पीछे रह लेटा है हाँ सामने लेटा है अरे ऊपर तो भाई राइट क्या करे बताओ नीचे है तो अजय दी खत्म अबे जल्दी आ लो जल्दी अबे हाथ का भाई हाथ का मैं क्या अबे हाथ का जल्दी हाथ यार चलो कोई नहीं not a problem सामने टॉप टू डाल दो बस काला टूटिया जो दुहाई है कितने किल किए थे फिर से बताना दो बच्चे अरे अपने किल तो बताओ पता नहीं अभी देख लेना बाद में चलो दो चार ऐसे फेंक दो तुम ऐसा नहीं ऐसे मत रेटा करो अब उसको लोकेशन पता है ना तुम्हारी पीपी वैसे भी ले जाता है पीपी भी खेल ले तो ले पक्का नूबड़ा ये चिकन निकाल दे ओ भाई चिकन निकाल दिया लो मुझे चिकन निकाल